तो आ गए आप लोग दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं गुरुमान सर के एचक्यू होए प्रोटीन एंड तरुण गिल का होए प्रोटीन दोनों का। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तरुण गिल का होए प्रोटीन को देखते हैं। इसका 2 kg का प्रोडक्ट आपको 3299 में मिल जाएंगे तरुण गिल के ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका सर्विंग साइज है 31 ग्राम। तो 31 ग्राम के एक सर्विंग में आपको 24 ग्राम प्रोटीन, 0.4 ग्राम फाइबर, 2 ग्राम फैट्स एंड 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएंगे, जो कि ठीक ठाक ही है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज उन्होंने मेंशन नहीं किया है, वो है एमिनो प्रोफाइल। दोस्तों आपको 77.4% प्रोटीन तो आपको मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर एमिनो प्रोफाइल क्या है वो हमें नहीं बताया गया है। हालांकि जो भी इसके अंदर होगा वो लगभग ठीक ही होगा, क्योंकि तरुण गिल खुद भी फिटनेस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों तरुण गिल का होए प्रोटीन को मैं यूज कर चुका हूँ। इसका मिक्सेबिलिटी काफी अच्छा है, लेकिन टेस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो जो लोग तरुण गिल का होए प्रोटीन यूज कर चुके हैं वो कमेंट करके लिखें कि आपको कैसा लगा, ताकि और दोस्तों को भी पता चले। और तरुण गिल का होए प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है मुंबई में। चलिए दोस्तों गुरुमान सर के एचक्यू होए प्रोटीन को देखते हैं। इसके 29 ग्राम सर्विंग में आपको 25 ग्राम प्रोटीन, 5.3 ग्राम बीसीडब्ल्यू है, 4 ग्राम ग्लूटामिन आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये भी शुगर फ्री प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर और फ्लेवर भी एडेड है, जो लगभग सभी सप्लीमेंट में एडेड होता है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। दोस्तों एचक्यू होए प्रोटीन आइसोलेट होए प्रोटीन है और इसमें आपको 88% प्रोटीन मिलता है। और तरुण गिल के होए प्रोटीन ब्लेंड होए प्रोटीन है, ये आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड है। तो यहाँ पर कंपेयरिंग खत्म हो जाता है। फिर भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने ये रिक्वेस्ट किए थे, मेरे उन दोस्तों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो दोस्तों एचक्यू होए प्रोटीन में आपको आइसोलेट होए प्रोटीन मिलेंगे एंड तरुण गिल के होए में आपको आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड मिलेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से ये ब्लेंड नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट होए मिल्क से ही बनता है। तो मेरे हिसाब से मैं इसको ब्लेंड प्रोटीन नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से ब्लेंड प्रोटीन वो है जिनमें होए प्रोटीन, सोए प्रोटीन, एक प्रोटीन या आदर्श प्रोटीन का ब्लेंड होता है, उसको मैं ब्लेंड प्रोटीन मानता हूँ, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स अलग अलग है। तो आप लोग क्या सोचते हो ब्लेंड प्रोटीन के बारे में? चलिए दोस्तों प्राइस को देखते हैं। तरुण गिल के 2 kg का होए प्रोटीन आपको 3299 में मिल जाएंगे, मतलब 1 kg इसका लगभग 1650 रुपए। अगर आप 1 kg अलग से खरीदते हो तो आपको 2000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो 2 kg का ही देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग 2 स्कूप इसके यूज करेंगे तो प्राइस आपको लगभग पर डे के हिसाब से 103 से लेकर 104 रुपीस तक डेली आपको खर्च करना पड़ेगा। और एचक्यू होए प्रोटीन 907 ग्राम के प्रोडक्ट लगभग 3000 रुपीस में मिलेंगे और इसका सर्विंग साइज है 29 ग्राम। तो इस हिसाब से अगर आप 2 बार सर्विंग लेंगे तो आपको 193 रुपीस के आसपास आपको खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसके प्राइस थोड़ा कम होने वाला है, फिर भी ये आपको 170 रुपीस से लेकर 180 रुपीस तक खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो दैट्स ओके, क्योंकि ये बेस्ट है। अगर आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो तो ठीक है। हालांकि जो लोग स्टेज कंप्लीट करते हैं वो होए हाइड्रोलाइज को ही प्रेफर करते हैं। फिर भी जो लोग आइसोलेट होए यूज करते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। फिर भी जो लोग बिगिनर है या इंटरमीडिएट है और जो लोग स्टूडेंट है या उनका बजट टाइट है, तो उनके लिए तरुण गिल का होए प्रोटीन या अदर्स ब्लेंड होए प्रोटीन यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रोडक्ट काफी अच्छा है। दोस्तों एचक्यू होए प्रोटीन में आइसोलेट होए प्रोटीन यूज किया गया है और तरुण गिल का होए प्रोटीन आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट का ब्लेंड है। अगर कोई सवाल आपके दिमाग में दस्तक दे रहा है तो दिमाग में जोर ना लगा के कीबोर्ड में जोर लगाओ और कमेंट करो, आपके सवालों का जवाब देने में मुझे खुशी होगा। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हो सके तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल बटन दबाना ना भूलना।